डू योर वर्क, डू इट वेल, देन लेट गो एंड लेट गॉड. अपना काम करो, अच्छे से करो, और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो. ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं और ऐसा मैं भी मानता हूँ. क्यों मानता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूँगा. सो जॉन कैनेडी टूल्स ग्रेट बुक अ कॉन्फिडरेसी ऑफ ड्यूकास, ये एक बुक इन्होंने जो लिखी थी वो इनिशियली बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस ने उनको डीरेल कर दिया कि नहीं, ये बुक हम लोग पब्लिश नहीं करेंगे. इस सदमे में उन्होंने मिसिसिपी के एक एम्प्टी स्ट्रीट पे अपने कार के अंदर जाके सुसाइड कमिट किया. वो मर गए. उन्होंने उनके सुसाइड कमिट करने के बाद उनकी माता जी को वो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म ऑफ बुक, क्योंकि वो बुक तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा था और पब्लिशर ने नहीं लिया था, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया. उनका बुक जो है उनकी माँ को मिला और उनकी माँ ने उस बुक को लेके बहुत एडवोकेशन की, लोगों के पास गई, लोगों के पास पब्लिशिंग के लिए गई, और अल्टीमेटली वो बुक पब्लिश हो गया. और सिर्फ पब्लिश नहीं हुआ, बेस्ट सेलर बना और उसको पुलिट्ज़र प्राइज भी मिला. कैन यू थिंक, एक बुक जिसको बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया था, उनके मरने के बाद उनकी माताजी जब और भी बहुत सारे पब्लिशर्स लोग के पास लेके गई, और वहाँ से कहीं ना कहीं वो बुक जब पब्लिश हुआ और इतना बड़ा बुक बन जाएगा, क्या उस राइटिंग में कोई डिफरेंस आ गया? नहीं, द बुक वॉज द सेम, क्योंकि वो जो बुक उन्होंने लिखा था और उनके मरने के बाद भी वो बुक तो सेम था. तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग के लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छा म्यूजिक पीस बनाया, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत अच्छा कुछ लिखा है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोग को उस समय उसका रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिलता. और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मन में आता है यार इतना करना तो बेकार है, चलो, एंड मेनी पीपल कमिट सुसाइड कि वो नहीं कर पाए. बट अब ये सोचो ना कि जो होता है अच्छा के लिए होता है, उस समय हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या पता भगवान ने इससे भी अच्छा कोई बड़ा चीज़ मेरे लिए रख के रखा होगा ना. तो यहाँ से एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन हम लोग को ये मिलता है कि आज अगर वो सुसाइड नहीं करते जॉन कैनेडी टूल, तो आज वो हम लोग के बीच होते, और अगर वो रहते तो कितना कुछ हमें और दे के जाते. उन्होंने एक वो उस चीज़ के लिए कि उनका बुक पब्लिश नहीं, उन्होंने अपनी जान ले ली. शायद वो रहते तो और भी बुक्स लिख पाते और वो खुश रहते, उनका बुक पब्लिश होता, शायद वो और भी बहुत कुछ करते, हमारे बीच से वो बहुत बड़े इंसान चले गए. तो यहाँ से बहुत बड़ा लेसन हम लोग को यही मिल रहा है कि यार हम लोग को डिसीजन जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लेना चाहिए. हम लोग को अपना काम अच्छा करना है, हम लोग को ये देखना है कि हमने कितना अच्छा किया. अगर हमने अच्छा किया है तो हमें खुश होना चाहिए. रिजल्ट क्योंकि हम लोग के हाथ में है ही नहीं, सामने वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में. अब भगवान जो भी देगा अच्छा ही देगा. फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग सोचे कि इतना बड़ा बड़ा बात करा है, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं. मैं 0 नंबर वीडियो से लेकर आज 130 नंबर वीडियो तक पहुँचा हूँ. आपने देखा है मेरा पहला वीडियो जाके देखो और मेरा अभी वाला वीडियो जाके देखो. आज तक व्यूज़ उतना ही आता था, बल्कि और शायद बीच बीच में कम ज़्यादा हो जाता है. पहले भी 5 व्यूज़ आते थे, अभी भी 5 ही व्यूज़ आते हैं. तो क्या मैंने वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, क्योंकि मेरे अंदर वो है कि नहीं यार, वीडियोज़ बनाना और बनाने छोड़ने में कोई फ़र्क नहीं है. वीडियोस बनाना, कंसिस्टेंटली बनाना, टाइम तक बनाना, और उसके बाद मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा कि मेरा क्या इंप्रूवमेंट हुआ. अगर मैं 0 नंबर वीडियो और इस नंबर वीडियो में इंप्रूवमेंट देखूं, तो मैंने एस्थेटिक्स इंप्रूव करने की कोशिश की, मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की, मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ, मेरे को वीडियो एडिटिंग आने लगा, मेरे को वीडियो के बारे में और जान पाया, मैं यूट्यूब के बारे में जान पाया. तो अगर मैं वो स्टेप नहीं लेता और मैं 8 महीना तक इस जर्नी पर नहीं आता, तो क्या मैं ये सब सीख पाता? नहीं सीख पाता. मुझे व्यूज़ तो नहीं आए, तो मैं ये तो बोल सकता यार व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ो बनाना बंद करो. बट अभी भी मैं स्टिल ट्राई करता हूं कि हर दिन एक वीडियो डालूं, और शायद ये करता रहूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जब कोई ना कोई वीडियो मेरा ऐसा चल पड़ेगा, और उस वीडियो के चल पड़ने की वजह से मेरे बाकी सारे वीडियो भी काम करने लगेंगे, और तब मेरा एक ऑडियंस बिल्ड होगा, तब मैं वो कर पाऊंगा जो मुझे एग्जैक्टली करना है. सो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा मोटिवेशन था ये स्टोरी. आपको ये स्टोरी कैसा लगा और यहां से बहुत बड़ा हम लोग को लेसन मिलाएगा? प्लीज अप्लाई करिए, प्लीज रिजल्ट्स ओरिएंटेड डिसीजंस मत लीजिए. आप लोग ये सोचिए काम अच्छा करना है यार, बाकी रहने दो ना, जो होगा देखा जाएगा.